प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी बयान में भाजपा प्रवक्ता के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों का नहीं अपितु भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर किसानों के हितों को बड़े सरमाएदारों के हाथ बेचने का खेल भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता का ये दावा कि केंद्र सरकार ने सभी दलों को इस कानून के विषय में चर्चा कर सहमति ली थी सर्वथा झूठा और मनगढ़ंत है। भारतीय जनता पार्टी का दरअसल जो एक छुपा हुआ चेहरा था, जिसमें वो देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, देश के किसानों के हितैषी होने की बात करते थे, उसका एकदम से उल्टा रूप जो है भारतीय जनता पार्टी का और इसकी सरकार का देश के किसानों के सामने उजागर हुआ है। आमदन दुगनी करना तो दूर की बात, इस कानून के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों को, किसानों के अधिकारों को और किसानों की पूंजी को, जो जमीन है, धरती है जिसके ऊपर वो खेती करते हैं, उसको देश के चंद सरमाएदारों के हवाले करने का खेल इस सरकार ने खेला है। और सरकार का ये षड्यंत्र, सरकार का ये खेल पूरी तरह से उजागर हो चुका है, किसानों के समक्ष आ चुका है, देश की जनता के समक्ष आ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने राजीव बिंदल के ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाए जाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई। कोरोना महामारी में जेबें भरने की घटना ने पूरी भाजपा सरकार को जनता के समक्ष बेनकाब कर दिया है तथा शिमला के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला द्वारा आत्महत्या के मामले ने सरकार की लापरवाही एवं असंवेदनशीलता की पोल खोल कर रख दी है। प्रवक्ता का यह भी कहना है कि राजीव बिंदल के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल के खिलाफ अगर आरोप निराधार पाए गए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्थान क्यों नहीं दिया गया। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अपनी जेबें भरने का जो एक कार्य चल रहा था उसको लेकर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार और अधिकारी बेनकाब हो चुके हैं। और कोरोना महामारी को लेकर सरकार की असंवेदनशीलता और सरकार के इंतजामों की पोल पिछले कल जो शिमला के हॉस्पिटल में महिला ने कोविड हॉस्पिटल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की है, उससे स्वतः सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जिम्मेदारी के साथ बात करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कानून केंद्र सरकार लेके आई है उसको लेकर विपक्ष के दलों से सहमति ली गई थी, जो सरासर झूठा और मनगढ़ंत है।